पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। भगवान करे इस बार खेलों में तुम जीतो। प्रताप, तुम्हारी जीत हमारी जीत, लेकिन जुबानी हार जीत में क्या मजा? 1000 की शर्त रहे। 1000 रुपए की? हाँ। ठाकुर 100 रुपए का ब्लाइंड। यार अपनी तो बड़ी बैड लक है। अपने साम आए भैया। भाई मैं तो देख के चलूंगा। भाई आप दिल खोलकर चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठाकुर प्रताप और ठाकुर गोपाल, तुम्हारी बात और है, हम तो शौकिया खेलते। हाँ ये तो सही है, हमारी रगों में जुआ तो लहू की तरह पैदा होते से ही रचा है। अरे भाई घर बार भी देखो, अभी अपनी भी शादी करनी है, अपनी जवान बहन की भी शादी करनी है। हमारा यार सलामत, जहाँ पहले तो उधार ले रखा है और भी ले लेंगे। अरे रुपया तुम्हारी दोस्ती पे निछावर में है, शो करो। शो? यक्के करा। यक्के के साथ क्या है? बेगम रख दीजिए, फिर मैं ले गया बादशाह। अरे सुनो सरकार, 6 गिलास और 1 केसर कस्तूरी फौरन पेश खिदमत। बेहतर हुजूर। अरे गोपाल कल मेंढों की लड़ाई है, याद रखना। हाँ भाई गोपाल ठाकुर, शर्त बताओ।
5-5 सौ रुपए। ठाकुर, आज मेरा काला शेर तुम्हारे सफेद गीदड़ की धज्जियां उड़ा के रखे। बड़े ठाकुर, मेरा सफेद शेर भी कुछ कम नहीं है। शर्त मंजूर है ना? मंजूर। गोपाल ठाकुर, चाहो तो शर्त बढ़ा सकते हो। 1000 रुपए। मंजूर। चालू जीतेगा। अरे मोदी जीतेगा। तो लगी हो गई। अरे कहां चले राजा मुख मोड़ के? 1000 रुपया निकालो। ये तुझ पे कुर्बान। हाय हाय रे हाय, तुम्हारे मेंढे से तो हमारी गली के मुर्गे अच्छे हैं। दो दो चोंच तो दिखाते, नाक कटवा दी हमारी गली। लक्ष्मी, एक तो मैं हारा हूं, तू जख्मों में नमक छिड़क रही है। नाना गोपाल ठाकुर, मैं घर का नमक क्यों खराब करने लगी? लेकिन मुकाबले से पहले अपने मेंढे को हमारे घर छोड़ जाना था। बेचारा पेट भर के खाता पीता तो आज गली मोहल्ले का नाम मिट्टी में तो ना मिला था। ए चमक चलो, हमारे दोस्त का मजाक उड़ाती है। तो क्या इन्हें फूलों का हार पहनाऊं? बड़ी लंबी जुबान हो गई है चौधरी की बेटी की। हाय हाय रे हाय, एक तो बेचारे का 1000 रुपए का नोट छीन लिया, दूसरे उसका मेंढा लहू लुहान हो गया। और बड़े ठाकुर, आप कहते हैं कि घर की बात है। ठाकुर, ये कुछ भी कहे मुझे इसका कहा बुरा नहीं लगता। हाँ राजा, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा। खैर भाई लोग, आज इस मेंढे की जीत की खुशी में शाम को सब बिरादरी का खाना हमारे घर पे होगा, ठीक है? क्या कर रहे हो? कंघी कर लो, कंघी कर लो। ये लो लक्ष्मी, तुम्हारे लिए। ये भाभी के लिए। भाभी के लिए। माया क्या करूं, ये पिछले दिनों में तो ताश की बाजी में किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, हर दांव उल्टा पड़ा। लेकिन रात मैंने ख्वाब देखा है कि दुर्गा अष्टमी के दूसरे दिन तुम जितना खेलोगे उससे 10 गुना कमाकर तुम घर में लाओगे। तो माया, मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे 50 रुपए दे दो, मैं शाम को लौटा दूंगा। हनुमान भैया, आज तो मेरे पैर भी दबाओगे तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। भाई तो मैं जानता हूं तुम्हारी जबान जरा कड़क है लेकिन दिल बिल्कुल मोम है। इस मोम को तुम दिया सलाई भी दिखाओगे तो यह मोम नहीं पिघलने वाली। हनुमान भैया, तुम नकल करते हो गोपाल ठाकुर की और प्रताप ठाकुर की। एक के पास 100 एकड़ जमीन है, एक के पास 1000 एकड़ जमीन है। तुम्हारे पास तो ओढ़ना बिछोना। भैया मैं तो प्रार्थना कर रहा था। देखिए ससुर जी, मेरे पिताजी का इस तरह अपमान मत कीजिए। बहू, तो फिर तुम्हारे बाबा का किस तरह अपमान करूं? पिताजी, ये मेरे ससुर जी हैं, इनका अपमान कैसे करना वो मुझसे पूछो आप। बाबा, आज दोनों बाप बेटा एक ही सुर में बोल रहे हैं। देखो हनुमान, तुमने ज्यादा चू चला की तो बहू को मायके भेज दूंगा। हाँ। अरे कमाल करो हो समझी जी, मैंने बड़ी मुश्किल से मायके से इसे ससुराल भेजा है और तुम वापस ससुराल से इसे मायके भेज रहे हो। अरे जिंदा रहे मेरा बेटा हरभजन, जो इसके बगैर तो सांस भी नहीं लेता। क्यों बेटा? ससुर जी, ये सांस लेने दे तो लो ना। दामाद ससुर आपस में फैसला कर लो, मैं पेंशन बैंक में जमा करके आता हूँ। अरे समझी जी, कहाँ जा रहे हो, मुझे ही बैंक में समझ लो ना। अरे शाम आया भैया। हाँ बेटे। क्या बात है भैया? बेटे आज जरा कुछ मुझे थोड़ा काम है, मैं सोच रहा था आज बिरादरी के 4 घरों में तुम फूल बांटा। भैया मुझे कॉलेज भी तो जाना है, मेरी पढ़ाई में हर्ज हो जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारा कॉलेज भी जरूरी है, खैर कोई बात नहीं। भैया एक दिन बिरादरी में फूल नहीं बांटे तो कौन सी आफत आ जाएगी? ये कीना मूर्खों वाली बात। अरे बेटे, मैं कोई फूलों का व्यापार थोड़ी करता, मैं तो दुनिया में सिर्फ खुशबू बांटता। आज गाँव की बहू बेटियों के हाथों में फूलों के गजरे नहीं होंगे, नाक नहीं कट जाएगी हमारी। भैया, भैया आप बुरा तो नहीं मान गए? अरे बाबरे,
कोई दिल के टुकड़े की बात का बुरा मानता है? अच्छा तो मैं चलूं? जा। ये रख दूं? अच्छा भाई। जा। आओ छोटे ठाकुर आओ। मुनीम जी चले बाबा चलिए। बड़े ठाकुर आज दुर्गाष्टमी के दिन भी स्नान किया कि नहीं? हमारे घर में तो गंगा बहती है प्यारे, हम तो रोज ही स्नान करते हैं। हाँ बड़े ठाकुर, गंगा में भी नहाकर यम उजला ना हुआ। छोटे ठाकुर, श्याम रंग पर तो दुनिया मरती है, तू जलता है क्या? अच्छा चल पहले चलकर देवी के दर्शन कर ले। तुम्हारी बहन केसर इस बार मंदिर के बाहर नाचेंगे नहीं? पांडे जी जैसा कि हर साल होता है माता की झांकी इस बार भी हमारी हवेली पे रुकेगी। क्या हर साल तुम्हारी हवेली ने ठेका ले रखा है? माता की झांकी इस साल हमारी हवेली पे हमारी हवेली पे रुकेगी। जिस तरह गांव का सूरमा हर साल चुना जाता है लठबाजी होगी, जो जीतेगा माता की झांकी उसी की हवेली पर जाकर रुकेगी। क्यों कौन तैयार है लड़ने के लिए? इस गाँव में एक मर्द तो हम है। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी ठाकुर, तो हो जाए आज। बच्चों एक शर्त याद रखना, जिसकी लाठी पांच बार दूसरे के माथे पर तिलक लगा देगी जीत उसी की होगी। हाय हाय रे हाय, आज तो मजा आ जाएगा भाभी, छोटे तितर के साथ बड़े तितर की लड़ाई। ए चिड़िया तेरी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। क्या करूं? इसे छोटी नहीं कर सकती, भगवान ने बनाई ऐसी है। लेकिन गोपाल ठाकुर आज जरा बड़े ठाकुर के छक्के छुड़ा देना। ये क्या छक्के छुड़ाएगा, आज इसे मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। चल पहले लड़के तो दिखा। Thank you.
यार लठबाजी में जब लठ लक्ष्मी को लगी तो समझो कि चोट मेरे कलेजे में लगी। ओफो, तो खामों का बीच में आ धमकी ना, कोई हाथ आग में डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही। ये बात नहीं है ठाकुर, यार से दिल की बात क्या छुपाने, जब लक्ष्मी को देखता हूँ तो दिल महसूस कर रह जाता हूँ। तू पागल हो गया क्या? तुझे मालूम नहीं कि चौधरी साहब कितने पुराने ख्यालात के आदमी है? वे अपनी हिरणी जैसी बेटी को तुझ जैसे जुआरी के पल्ले बांधेंगे क्या? ये बात नहीं है ठाकुर, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं छोटा ठाकुर ही सही, लेकिन जिस बात का प्रण कर लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। अच्छा, तो इतना मान है अपने आप पर। अच्छा भाई, जिस दिन तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए हमसे आकर अपने 5,000 रुपए ले जाना, नहीं तो 1,000 रुपए हमें दे जाना, मंजूर? एक मिनट। ये ले। मंजूर। अरे जा जा, बड़ा आया। रस्ते रस्ते जाने वाली, ओ रस्ते रस्ते जाने वाली, लहरा के लटकाली काली, ओ रे ओ मतवाली, चली है कहाँ आजा आजा यहाँ, चली है कहाँ आजा आजा यहाँ। नजरिया के मारे हुए हैं हम तो, तेरी नजरिया के मारे हुए हैं। तू माने या न माने, हम तो पहले से दिल कहीं हारे हुए हैं, हम तो पहले से दिल कहीं हारे हुए हैं। बिन सोचे न दिल दे देना, बिन सोचे न दिल दे देना। अच्छा, ये मीठा मीठा रोग मत लेना, जाजा कहीं रोना न पड़े, हंसते हंसते रस्ते रस्ते पीछे पीछे आने वाले, अरे पीछे पीछे आने वाले, सीधे साधे भोले भाले, ओरे ओ मत वाले, मैं चली हूँ वहाँ मेरा प्यार है जहाँ, मैं चली हूँ वहाँ मेरा प्यार है जहाँ, पीछे पीछे आने वाले। डगरी से पनिया छलक जाएगा, मेरी डगरी से पनिया छलक जाएगा। ओ मैं न छोड़ू न छोड़ू गुजरिया, ऐसा मौका न बार बार हाथ आएगा, ऐसा मौका न बार बार हाथ आएगा। जा जा लौट जा अपनी नजरिया, ओ जा जा लौट जा अपनी नजरिया, तेरी मेरी रस्ते 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 जाने वाली, ओ रस्ते रस्ते जाने वाली, लहरा के लटकाली खाली, ओ दे ओ मत वाली, चली है कहाँ आजा आजा यहाँ, मैं चली हूँ वहाँ मेरा प्यार है जहाँ, रस्ते रस्ते जाने वाली।
पीछे पीछे आने वाली, रस्ते रस्ते जाने वाली। अरे वो हार रवा जो आ रही है, ये शरद भी हार रहेगा, और फिर हमारी लक्ष्मी उसके बस की बात है क्या? जवान लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, किसी को ठेला मरा, किसी की आंख पड़ी, उसकी हाय हाय रे हाय से तो गांव भी तंग है। मैं कैसी हूँ कर उसके हाथ पीले करो। भाभी ये किसके हाथ पीले होने की बात हो रही है? अरे इस घर में कुंवारा है कौन, पिताजी थे उनकी शादी हो गई, बल्कि वो तो रणवैरी हो गए। वो जो गोपाल ठाकुर है ना, सामने वाला एक नंबर का जवारी, वो तेरे बारे में ऐसी वैसी बातें उड़ा रहा है। ये गोपाल ठाकुर? हाँ। सरसों के खेत का भैंसा? हाँ वही भैंसा, तुझसे शादी करने की ठानने बैठा है। हाय हाय रे हाय, करेले जैसे सूरत और जलेबी के सपने, मेरे सामने ऐसी बात करता उसकी टंगे नहीं तोड़ देती। अरे मगर मेरी ठांग क्यों तोड़ रही है, और उसकी ठांग तोड़नी है तो यहाँ घर में बैठ कर तोड़ेगी क्या? मैं क्यों घर बैठने लगी, अब भी जाती हूँ उसके दिमाग की धुलाई करके आती हूँ। हाँ। ये हुई बात। दुर्गा माता, आज मैं झोली फैला कर तुझसे एक बार मांगता हूँ, सामने वाले घर में वो जो लड़की रहती है ना लक्ष्मी, उसकी छवि मेरे दिल में कुछ ऐसी समाई है। छुरी बगल में और मुँह में राम राम, मंदिर में तो जुए की शर्त लगाते और घर आकर देवी को पूछते हो। मैं ना जानता था कि मेरी पूजा इतनी जल्दी स्वीकार हो जाएगी। ए गोपू उधर क्या देख रहा है, इधर देख। उधर के लिए तो इधर देख रहा हूँ। पहले क्यों डांटता है, साफ साफ बात कर, आज फैसला हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ, जिस बात का फैसला आज हो सकता है उसे कल के लिए क्यों टाला जाए। तो हो जाए हिसाब, बोल ये खबर किसने फैला रखी कि तेरी मेरी शादी होगी? लक्ष्मी मैंने अपनी जुबानी तो सिर्फ देवी माता से ही बात कही है। तो फिर लोगों को सपना आ गया? बात यह लक्ष्मी, प्यार एक ऐसी खुशबू है जो छुपाई नहीं छुपती। खुशबू से ज्यादा तेज बदबू होती है रे, अच्छी बात छुप जाती है, गंदी बात नहीं छुपती। अच्छा देख आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, वैसे भी मेरा गुस्सा मशहूर है। बोल तेरे घर के सामने से मैं दिन में कितनी बार गुजरती हूँ? हिसाब तो मैंने रखा, लेकिन जब गुजरती हो मैं तुम्हें जरूर देखता हूँ। तू तो देखता ही होगा, लेकिन मैंने कभी आंख उठाकर तेरे घर की तरफ देखा है? लेकिन मुझे ऐसे जान पड़ता है कि कनखियों से तू भी देखती है। हाय हाय रे हाय, जैसे भगवान ने मुझे दो आंखें सिर्फ तुझे देखने के लिए दी है। देख आज मैं फिर कह देती हूँ कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा गुस्सा भी बहुत मशहूर है। तू ऐसे खबरें गांव में उड़ाता रहा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कौन मुझसे शादी करेगा? कोई करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल कभी दर्पण देखा है? लक्ष्मी तेरी सूरज जो देख लेता हूँ, दर्पण देखने की क्या जरूरत है? देख तू फिर मुझे गुस्सा दिला रहा है, बोल तेरी खोपड़ी में बात कैसे बैठी कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? अरे बोल ना। देख लक्ष्मी उस दिन जब हम गांव में कबड्डी खेल रहे थे तूने मेरी टोली का साथ क्यों दिया? जब कभी भी मैं जीता तू नाच नाच के कूद कूद के ताली क्यों बजाती थी? सिर्फ यही बात नहीं, उस दिन जब मैं ट्रैक्टर लेके अपनी जमींदारी की तरफ जा रहा था उचक के मेरे ट्रैक्टर पर क्यों आके बैठ गई? गन्ना चूस रही थी, आधा गन्ना तोड़ के मुझे क्यों दिया? इसलिए कि मैंने तुझे हमेशा भाड़े का टट्टू समझा है, जो टट्टू पर बैठेगा क्या उसका भाड़ा नहीं देगा? लक्ष्मी दुर्गा माता के सामने दिल पर हाथ रख करके कि तुझे मुझसे नफरत है, मेरे लिए तेरे दिल में कोई जगह नहीं। हाँ तेरे लिए मेरे दिल में एक तिल भर भी जगह नहीं। अच्छा तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? बुरे जरूर लगते हो, अच्छे कभी नहीं। बस ये बात है। मैं ये लकीर खींचता हूँ, इस लकीर से कूद के चली जाना, मैं ये समझूंगा आज से तेरी मेरी राम राम बंद, तू अपने घर खुश मैं अपने घर। कैसे कूद जाऊं, मुझे डर लगता है तू कुछ करना बैठे। कुछ कर भी बैठा तू कौन सा रोएगी, चल चल कूद जा। देखती क्या है, कूद ना। कूदती हूं, लेकिन पहले तू ये लकीर मिटा। बस नरम पड़ गई, कहती थी बड़े गुस्से में आई है, तेरा गुस्सा भी बड़ा मशहूर है। किसी पर दया आ जाए तो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। देख अगर तू दो पल में इस लकीर से ना कूदी तो मैं तुझे बहियों की जंजीर में जकड़ लूंगा। इसीलिए आंखें दिखाते हो कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ? लक्ष्मी मैं तो चाहता हूँ कभी तू इस तरह इस घर में आ कि वापस आ जा। जितना मैं तेरे दिल को समझता हूँ ना, इस गांव का कोई नौजवान नहीं समझता होगा। मैं जानता हूँ तू वो सूरत है जिसकी रोशनी चंद्रमा की चांदनी से ज्यादा शीतल है। देख देख गोपू तू मुझे फंसने की कोशिश कर रहा है, पर अब तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं मैं फंस न जाऊं। तेरा डर सच निकलेगा। अरे छोड़ छोड़, अभी अपनी घर वाली समझ लिया है क्या? तो क्या हुआ? अरे छोड़ कोई देख लेगा, छोड़ ना। अरे हम तो यहाँ बुझाने आए थे, यहाँ तो लग रही है, हैं? आज तो बच निकला, अगर घर में होता
तो ऐसी मुरम्मत करती कि इसे कबूतर से निकल जाता। अरे लेकिन तू अंदर कमरे में क्या कर रही थी? मैं हाँ? मैं भैया मैं उसे ढूंढ रही थी। अच्छा, मैंने सोचा कि उसे मेरे आने का पता चल गया होगा। हाँ। कहीं बिस्तर के नीचे छुपा होगा। बिस्तर के नीचे? हाँ, हो सकता है अब भी बिस्तर के नीचे छुपा हो। चलो चलकर ढूंढ ले। नहीं नहीं अभी भाभी भैया भैया किसी और दिन उसकी खबर लूंगी। अभी चलो ना भाई, लेकर चल के देखे तो सही। अरे धक्के क्यों मार रही है? अरे धक्के क्यों मार रही? राम राम बलवन ठाकुर। आओ रंजीत ठाकुर आओ, आज तुमसे कुछ घर गृहस्थी की बात करनी है। ऐसी बात है बिराजिए। बात ये है कि गोपाल ठाकुर मेरे पास आया था, कहने लगा काका मेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं, तो मेरी एक जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पर ली। कैसी जिम्मेदारी? बात कुछ नाजुक है, वो लक्ष्मी को अपने लिए मांगा। उस जुआरी की जबान पे मेरी लक्ष्मी का नाम कैसे आया? जाओ उस जुआरी से कह दो कि पहले अपनी जवान बहन की शादी की चिंता करें। भैया जरा ठंडे दिल से सोचो, अच्छा खासा ठाकुर खाना है। हाँ जरा जुए की लजूर है, हर एक आदमी में गुण ही गुण नहीं होते, एक आध अवगुण भी होता है। और फिर लक्ष्मी बेटी तो खुश सुगर है, शादी के बाद अपने आप उसे सुधार। रंजीत सारा गांव तुम्हें इज्जत की नजरों से देखता है, लेकिन एक जुआरी का रिश्ता मेरी लक्ष्मी के लिए लाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। बलवान ये बात मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहता, लेकिन मुझे बच्चों का दिल भी मालूम है, लक्ष्मी के लिए इच्छा। हाँ, तुम घर में सारा मशवरा कर लेना। संदीप भाई आप तो घर में घी के सराग जलाओ, तुम्हारी लड़की भी जुआरी हो क्या जा रही है? तुम चुप रहो जी। पिताजी गुस्सा करने से क्या फायदा, अरे ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। अरे लक्ष्मी भी कहने को कह रहे हैं कि गोपाल किस खेत की मुरली है, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या है मैं अच्छी तरह जानू हूँ। अगर राजी खुशी लक्ष्मी का हाथ गोपाल ठाकुर के हाथ में नहीं दिया तो वो भी जिद्दी है, किसी दिन घोड़े में बिठा के लक्ष्मी को भगा के ले जाएगा। हाँ गोपाल ठाकुर खाता पीता आदमी है, सौ एकड़ उसकी जमीन भी तो है। कहाँ लक्ष्मी? लक्ष्मी 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 क्या बात है बाबा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना है आपने? तेरी इच्छा क्या गोपाल से शादी करने की है? क्षमा करना बाबा, थी तो नहीं लेकिन अब हो गई है। क्या कहा? क्या करूं बाबा, हर रोज आगे पीछे घूमता था, मैंने सोचा बेचारी का दिल टूट जाएगा। बस बस बेटी तेरे कानों में जहर मत घोल, जब अपना ही बर्तन खोखला तो दूसरे को क्या हो? निकालो 5,000 रुपए। अरे मगर 5,000 रुपए किस बात के? ये पढ़ लो। झटके पे झटका। अच्छा तो ये बात है। अरे मुबारक हो लल्लू, मुबारक हो। तुम मार गए मैदान। हम ना कहते थे हम भी ठाकुर हैं छोटे ही सही, लेकिन जिस बात का प्रण कर लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। मान गए भैया मान गए। अबे अपने 5,000 रुपए तो ले जा। अनिल जी जी इधर आइए, गोपाल को फौरन 5,000 रुपए दे दीजिए। जो हुक्म। लेकिन सरकार इनकी तरफ तो काफी रकम निकलती है, उसमें से काट लेंगे। अरे उसमें से कैसे काट लेंगे मुनीम जी, हम इस बाजी का रुपया ताश की बाजी से नहीं काटेंगे। जी अच्छा छोटे ठाकुर शादी कब है? चट मंगनी और पट ब्याह मुनीम जी। हाँ। परसों शादी है। गोपाल ठाकुर बस इस मामले में आप अपने यार को पीछे छोड़ गए। अजी मजा तो जब आता अगर आपकी और हमारे सरकार की शादी साथ साथ होती। यार लड़की तो हमारी नजर में है, मगर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब। पहले ये बताओ कि तुमने शादी के लिए रुपए वगैरह का इंतजाम किया है? देखो गोपाल हमारी तिजोरी तुम्हारी, उसमें जितने भी नोट पड़े हैं वो सब तुम्हारे, ये जमीन तुम्हारी है, जायदाद भी तुम्हारी, इसलिए तुम्हें जब भी रुपए पैसों की जरूरत पड़े जितने की भी जरूरत पड़े हमारे पास भगवान शर्मा है, बिना किसी खटके झटके के खुद आकर अपनी मर्जी से अपने आप ले जाए। यार भी अपना तिजोरी भी अपना, लेकिन शादी के लिए 20,000 रुपए जमा कर रखे। 20,000 ठाकुरों की शादी? क्या बात कर रहा मैं यार, 20,000 में तो हम गुड्डे गुड़ियों की शादी करते हैं, ठाकुरों की शादी में तो कम से कम 50,000 रुपए खर्च होने चाहिए। क्यों मुनीम जी? 30-35,000 रुपए आप हमारे तरफ से ले जाइए। उधार घटे होने के बाद जब जुए में हजारों का उधार रख सकते हैं तो क्या शादी में रख सकते? मुनीम जी हमारे खरी भाई तिजोरी पर, हमारे यार गोपाल को गिनकर बगैर गिने 30,001 रुपए दे दीजिए। घड़िया बने की बात करता है, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलकर।
चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार पकड़ता है छेला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे तहला घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार पकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे पहला बेचारा हम साथ आरा फिरता था गली गली मारा मारा कल तक बेचारा हम साथ आरा फिरता था गली गली मारा मारा देखी एक चोकरी फूलों की टोकरी बोला दिल थाम के मैं हारा हारा बोला दिल थाम के मैं हारा हारा यार को मुबारक हो मोहब्बत की बाजी ओ यार को मुबारक हो मोहब्बत की बाजी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी सदा फूले फले दोनों का प्यार थोड़ी पे हो के सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार पकड़ता है छेला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे तहला पकड़ता है छेला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे तहला दुल्हन की धुन है कैसा मगन है होगा मिलन देखो अभी अभी हाँ दुल्हन की धुन है कैसा मगन है होगा मिलन देखो अभी अभी शादी की मस्ती लगती है सस्ती पड़ती है महंगी भी कभी कभी पड़ती है महंगी भी कभी कभी ये बात मत भूलना प्यार की बहारे ये बात मत भूलना प्यार की बहारे नन्हे मुन्ने बच्चों की लगा दे ये कतारे तब उतरेगा जाके कुमार घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार पकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे पहला घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार पकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे पहला रात अंदर कमरे में जाके बड़ा जुआ खेलो। अम्मा यार कौन से शास्त्र में लिखा है कि शादी के रात जुआ नहीं खेलना चाहिए एक लक्ष्मी तो घर में आ चुकी है दूसरी लक्ष्मी बाजी खेल के ले जाऊंगा हाय हाय रे हाय
चौकड़ी, हाथ पीले होते ही मोम की गुड़िया बनी बैठी है। अरे मुझे तो अब ये चिंता खाई जा रही है कि अब आम खरीद कर खाने पड़ेंगे। पहले तो लक्ष्मी बाबू के आम तोड़ तोड़ कर गली मोहल्ले वालों के घर भर दिया। सच कहती हूँ, लक्ष्मी के बगैर तो मेले ठेले का भी मजा गया। अरे छोड़ो छोड़ो, मेरी नन्ही मुन्नी सी भाभी को परेशान मत करो। भाभी जानती हो तुम इस वक्त कैसी लग रही हो? लगता है ये सारी दुनिया एक बड़ा सा रेगिस्तान है और उसमें एक गुलाब का फूल खिला है। भाभी अगर बुरा न मानो तो तुम्हारा ये लाल भभू का गाल काट खाऊं? आओ, एक है सर, तू इसकी ननन होगी लेकिन ये मेरी ननन है और जिस चीज को तू काटना चाहती है उसे काटने का हक तो सिर्फ तेरे भैया को है। अच्छा चलो लड़के रूम खाली करो। हाँ चलो चलो चलो, ये सब तू पहले चल। चल 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 चल, मैं ले जाऊँ। अरे इसे जाएगी। जल्दी बांटो, जल्दी हारे, जल्दी छुट्टी करे। साहब आज तो अपशगुन की बातें मत करो, आज तो इसको जीतने दो। आज की रात हनुमान चाचा ने पहली बार मेरी तरफदारी की। ला मुझे बख्शीश दे। भैया मेरी भी लैंड हुई। बहुत छोटी गेम खेल रहे आप लोग। 20 रुपए ब्लाइंड। 20 रुपया भाई मेरी चाल, 40 की चाल। अपने नाम गए भाई। हम भी गए भाई। लो भाई मैं भी गया, ब्लाइंड कर दिया। छोटे ठाकुर आप अभी भी छोटे गेम खेल रहे हैं। 60। मैं पैक। ब्लाइंड। छोटे ठाकुर अभी भी छोटी खेल खेल रहे हैं। 100 ब्लाइंड। शुगर है। शुगर तू? हाँ। अच्छा तो तुम्हारी किस्मत में छक्का। निकालो। बेगम रानी रानी। बेगम से शादी करे बस। बादशाह बादशाह। देला देला। हार जाओगे। अच्छा भैया पहला दांव हार गया, पहली जीत मंगाए भीख। भैया अभी तो पहला दांव खेला है, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जिद छोड़ दे छोटे ठाकुर, अगर आज भी तू हार गया तो तेरे दिल में ये वहम बैठ जाएगा कि लक्ष्मी का कदम तेरे घर के लिए शुभ नहीं है। ठीक है पत्ते बांटो। हनुमान चाचा बेगम बादशाह। अरे 1 2 3 कलर। अरे एकदम जीत रहे हो भाई। 1 2 3 कलर निकाल ठाकुर। या जब देने वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। चलो अच्छा गोपाल, कम से कम शादी के दावत का खर्च तो निकल आया। गुलाम बेगम आज सबका दिवाला निकाल कर जाएंगे। और खेलो ना। अरे यार मुझसे 10 रोज खेलवा लो, लेकिन इतना याद रखो शादी तुम्हारी हुई है। वैसे अब बाकी इनमें से दम किसमें राज है तुम्हारे खेल का, सबका सफाया तो कर दिया। ला भाई मैं बाहर अंदर रखा हूँ, मुझे थोड़ी सी मजदूरी दे देना। चाचा ये ले एक नोट। वाह भाई वाह भाई। चलो भाई बांटो, मेरा भी बांटो। किसी ने सच कहा है जब दुल्हन घर में चरण रखती है तो अपने साथ लक्ष्मी लेकर आती है। लक्ष्मी तू छोटे नोट गिन, मैं बड़े नोट गिनता हूँ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 जी नोट तो सुबह भी गिने जा सकते हैं। आज जब ताश की बाजी लगी ना सारी जेब खाली हो गई। जी आप दूध तो पी लीजिए। 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 कुछ छोड़िए ना। लक्ष्मी ताश की बाजी में इतना माल कोई किस्मत वाला ही जीत सकता है। आपकी जीत हुई लेकिन मेरी तो हार हो रही है। तेरी हार? वो कैसे? आज की रात अगर आपने मेरे हाथ से दूध ना पिया तो मेरी हारी होगी ना। शादी से पहले किससे शर्त लगाई थी कि मैं तेरे हाथ से दूध पीऊंगा? आपको तो हर बात में जुआ ही सूझता है। आप 2000 रुपए जीत कर समझ रहे हैं कि बहुत कुछ जीत लिया, आपसे तो ज्यादा मैं यहाँ जीती हूँ। क्या फेरों से पहले तुम भी ताश खेल रही थी? जी हाँ, आने वाले जीवन की बाजी लगाई थी और मैंने उस बाजी में आपको जीता। जिस आदमी को देखकर गांव की सारी लड़कियां आहें भरती थी वो मेरी किस्मत में लिखा था। अच्छा
लक्ष्मी, मैं तो समझता था तू आमों की चोरी और धोल धप्पे के सिवा और कुछ नहीं जानती। अरे तू तो बहुत कुछ जानती है। कुंवारी लड़की एक पतंग की तरह होती है, जो शादी से पहले अपनी मर्जी से खुली हवा में इधर उधर उड़ती फिरती है, लेकिन फिर किस्मत के पतंग से पेच लड़ता है और वो कटकर अपने पति के आंगन में आ गिरती है। फिर खुली हवा में उसका उड़ना बंद, पति के आंगन में उसका सर खोता है। लक्ष्मी, सच बताओ, मैंने आज पहली बार जी भर के इस बखड़े को देखा है। ये 2,500 रुपए जीत के तो मेरे पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन आज मुझे पता चला क्या दौलत पाई है। दुनिया भर का खजाना लूट लिया। ये चमकते हुए बाल, जैसे एक एक बाल को किसी कलाकार ने अपनी जगह में रखकर ये खूबसूरत सी मांग बनाई है। लड़के की मांग तब खूबसूरत होती है जब उसका पति उसमें सिंदूर भर देता है। तेरी ये गाल पहले तो कभी इतने लाल ना थे। शीश महल में आकर पत्थर भी चमकने लगता है। लक्ष्मी, आज कैसी है गहरी गहरी सी बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारी उस बात में बड़ा मजा आता था। कौन सी बात? वही जो हाथ मटका मटका कर कहती थी, हाय हाय रे हाय। वो लटक मटक तुम्हें मैके में छू रही हूँ। ये क्या बात हुई, एक बार कहो ना, हाय हाय रे हाय। नहीं नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी ये उंगली काट खाऊं तब भी हाय करके नहीं चलाओगे? छोड़िए ना। शर्मा क्यों रही हो, कौन देख रहा है? दिया। अच्छा, दिए से शर्मा रही हो? अभी से गुल किया देता हूं। एक जमाना था कि लोग कहते थे आदाब आदाब आदाब, अब ये जमाना है कि बेली कहती है आदाब आदाब आदाब। बच्ची, काम करो। अंगूठा। हाँ, अंगूठा ले रहा हूं, ये लो अंगूठा। अरे अरे वाह गोविंद, तेरे पांव में तो पद्म चक्कर है, ऐसी औरत तो बड़ी भाग्यवान हो गए। हाँ भाग्यवान होती है। क्यों? 4 साल हो गए शादी किए हुए, अभी तक आंगन में शोर भी नहीं सुनाई दिया। अरे कम से कम एक तोता ही ले आते पिंजरे में बंद करके और लटका देते दरवाजे पर। अरे इस वक्त तो मैं तोता बना हुआ हूँ पिंजरे में और लटका हुआ हूँ। गोविंदी जी, अब दवाई बंद कर दो, पिताजी आ जाएंगे। नहीं, पिताजी हमेशा कमरे में आने से पहले खकारते। अरे मैं अपने ससुर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप की, जो बेशर्मी से बच्चों को कमरे में धड़ से घुसा रहे हैं। हनुमान हनुमान, छी 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 छी, लाहौर लाहौर, या खुदावंदा, ये कैसा घर है जहाँ बीवी का पांव शोहर दबाते, लाहौल मिला कुंवर। अरे खान साहब, बीवी के पांव दबाने से किस्मत का सितारा चमक जाता है, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी घर जाओ और अपनी बीवी के पांव दबा के किस्मत का सितारा चमकवा लो। अबे और धर्मरीज, बीवी का पांव दबाने से पहले हमें अपना मूंछ कटवाना पड़ेगा। अब तो पड़ेगा, हम खान का बच्चा है। बताओ किधर है तुम्हारा सुसरा? हमारा 100 रुपया हजम करके बैठा है। अच्छा? ना रुपया देता है ना रुपए का बच्चा देता है। अरे आज हम उसकी जान ले डालेगा। अरे खान साहब, ये नेक काम तुम जरूर करो। ए काबुली, चिल्लाते क्यों हो? मेरे बाप को रुपया देने से पहले हमसे पूछा गया क्या? हम जामिन है उसके? हम जामिन है क्या? हमारा हिसाब किताब जुबान का होता है। जुबान का? और कोई बेईमान हो जाए तो हम अपना पैसा डंडे से वसूल करता है। हम अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते। खान साहब अच्छा करते हो, शरीफ आदमी को अदालत में जाना भी नहीं चाहिए। मगर खान साहब अब यहाँ से तो जाओ, मुझे अपनी बीवी के पांव दबाने आओ जी। लाहौर मिला कुमार। गोविंदी गोविंदी, कहा है तेरा पापा? क्या बात है ससुर जी? बाप क्या खाक है, अब मेरे घर पठान भी आने लगे, गली मोहल्ले वाले क्या समझेंगे? ये समझेंगे मैंने पठान का कर्जा देना? जी, कर्जा मैंने देना है। अलमारी में छुपे तुम क्या कर रहे? अरे समझी जी, मैं कोई कत्ती गोलियां नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो कमरे में मौजूद था और जब पठान आया तो मैं अलमारी में छुप गया। तो क्या आप यहाँ पहले से ही मौजूद थे? अरे बेटा, मैं तो एक घंटे से कोने में बैठा हुआ राम नाम का जाप कर रहा हूँ। अरे मैं ना कहता था, बड़े बेशरम है हमारे ससुर जी। अरे तब तो इन्होंने मुझे तेरे पैर दबाते हुए भी देख लिया होगा। पैर दबाते हुए क्या कहा? कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया? न बहू को घर से निकाल सकता हूँ, न संधि मेरे सर से टलता है।
अरे भगवान, अरे नहीं हाँ रहा, तुम भी अपना घर छोड़ने जाना होगा। और समझे जी कड़ी ना हो, मैं भी थारे साथ। अरे पिताजी, पिताजी, अरे दबाता हूँ भाई। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर है ये। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? शादी के एक साल में मैं बुरी हो गई क्या? ये मैंने कब कहा? तो और क्या मतलब था आपका? मुंह क्यों बनाती है? जितनी सुंदर गर्दन उतना ही सुंदर हार। भैया, ओ भैया, देखो मैंने साड़ी पहन ली। बहुत अच्छी लग रही है। जानती हो भाभी, पहले जब फसल पकती थी और भैया उसे बेच कर आते थे तो सब जुए में हार आते थे। ये पहली कटाई है जब भैया मेरे लिए साड़ी लेकर आए हैं। अरे ये नया हार है भाभी। हाँ किसान। अच्छा तो भैया तुम्हारे लिए हार और मेरे लिए साड़ी लेकर आए हैं। नहीं नहीं केसर, ये हार भी तुम्हारा ही है, मैं तो इन्हें पहन कर देख रही थी। झूठी कहेगी, साड़ी केसर के लिए और हार तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे अभी हार की क्या जरूरत है, मुझे तो मेरा हार सिंगर मिल गया है। हार की तो अभी इससे जरूरत है जिसको अभी ठिकाने लगाना है। आप देखिए सुमन जी, आपकी बहन कितनी खूबसूरत है। अरे गोपाल ठाकुर, अरे बेटे घर में ही हो? आई आई रंजीत चाचा, देखिए मेरा नन्ही मुन्नी बहना कितने सुंदर लग। अरे केसर बिटिया तो है इसकी, लेकिन इस घर की असली सुंदरता तो तुम्हारी पत्नी है जो इतनी खूबसूरती से इस गृहस्थ की चक्की को चला रही है। गोपाल, पिछले जन्म में जरूर कोई तुमने पुण्य किया होगा, तो इस जन्म में लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली। लो तुम्हारी बहनी और ये केसर का गजरा। रंजीत चाचा, केसर को देखकर एक चिंता सी जाग पड़ी है। चिंता? चिंता किस बात की बेटे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास। वो तो ठीक है, लेकिन केसर माँ बाप की अमानत है, इसके भी तो हाथ पीले करने हैं ना भैया। बड़ी लाज बनती है, ये साड़ी भी आपके भाई श्याम ने पसंद की थी। अच्छा? नहीं नहीं, वो मुझे साड़ियों की दुकान में मिल गया था। साड़ियों की दुकान पर मिल गया? अच्छा किया बेटा जो तुमने मुझे बता दिया। ऐसा मत कहिए, बहुत अच्छा लड़का है, इत्तेफाक से मुझे मिल गया था। अच्छा लड़का तो है ही बेटे, मैं जानता हूँ। मेरी तो माँ से यही प्रार्थना है कि पढ़ लिख कर बड़ा होकर डिप्टी कमिश्नर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बनेगा। जैसी माँ की इच्छा। अच्छा बेटा। अच्छा नमस्ते। ये क्या कर रहे हो? देख तो रही हो क्या कर रहा हूँ, प्यार ही तो कर रहा हूँ। चलो हटो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दर्द देख कर ये पूछती हो, दवा की क्या जरूरत है? धत, तुम तो लोकलाज से भी नहीं डरते। कैसी लोकलाज, प्यार कर रहे हैं, कोई डाका तो नहीं डालते। सुनो, जब से घर में नई भाभी आई है तुमने तो हमें भुला ही दिया है। कहो मेरी बगिया में फूल कब खिलेगा? जब बाहर आएगी। कब आएगी ये बाहर? देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि इस घर में सदा सुख और शांति रहे तो मेरा एक काम कर दीजिए। अरे पहले पांव धबवाती रही हो, अब क्या कपड़े धुलवाने का इरादा है, बर्तन मंजवाने का इरादा है, वो भी करवा लो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अगर आप मेरे बाबा की जुए की आदत छुड़वा दे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। अरे तो क्या आप गुलाम नहीं हो? और सदा रहूंगी। जरा पैर दबा दो, दबा दो जरा। हाँ हाँ बस आप मेरा ये काम कर दीजिए, कुछ रास्ता सोचिए। दबाओ दबाओ दबाओ, रास्ता सोच रहा हूँ मैं। शॉर्ट कट रास्ता आ गया, कांड इधर लाओ। अरे इधर लाओ कांड, काटूंगा थोड़ा ही। धल्ला धल्ला ले बेटी गोविंदी। बेटी गोविंदी, अरे अरे हम तो कहीं के भी ना रहे, अरे हम तो लूट गए। बाबा 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 बाबा, मौन क्यों हो बाबा? हरभजन बेटा, हरभजन बेटा, क्या बलवान भैया चल बंदे। मगर उनकी लाश कहाँ है? अरे बेटा मृत शरीर के पास बैठकर रोते हैं, अरे तुम तो अठे पलंग पर बैठकर रो हो। अरे ये बात नहीं है, मेरे बाबा तो ठीक है लेकिन मुझे होनी दिखाई दे रही है। अरे अरे मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। गोविंदी तू ही कर दे, तू ही कर दे। पापा आज हमारे घर एक सिद्ध महात्मा आए थे, वो कहने लगे बेटे बड़ी भाग्यवान हो, तुम्हारे गोद में चार बेटे बेटियां खेलेंगे, सदा ससुराल
बेटियां पालेगी इस बात पर रो रही है। अरे बगलीचे की समझा भाई समझा। अरे रोना इस बात का नहीं है ससुर जी, बात कुछ और है। अरे आगे तो बता। और वो महात्मा बोले की रात तुम्हारे लिए बड़ी संकट की रात है। हम जानते हैं तुम्हारे पिताजी को जुए की आदत है, अगर उन्होंने आज ताश के पत्तों को हाथ लगाया तो आज रात 12 बजे उनका देहांत हो जाएगा। अरे अगर ससुर जी का देहांत हो गया तो मैं दुनिया में अकेला क्या करूंगा। नहीं चलो आइडिया आया, मैं रात को 12 बजे दीवार पे चढ़ के साली 12 की सुई को पकड़ लूंगा। कहाँ सुई को पकड़ता है, मैं तो मरने वाली तारीख में पैदा ही नहीं हुआ था। अब मुझे समझ में आया कि वो साधु जोगी क्यों मर गया था। अरे उस कमबख्त को फ्रांस खिलानी आती होगी। बाबा बाबा हमारी बात मान लीजिए, वो बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज है, उनकी बात साझो कर रही थी। इनका तो अंतिम समय आ गया है, ना ये जुए को छोड़ेंगे और ना मौत इनको छोड़ेगी। अरे जा दिया बत्ती ला। कहाँ दिया? अरे चादर ओढ़ लो तुम तो ससुर जी। अरे हटा चादर को हटा। क्या? अरे ससुर जी ऐसी कोरी कोरी चादर कहाँ मिलेगी, कल सुबह को अर्थी को उड़ानी पड़ेगी ना, इसलिए एडवांस में उड़ा रहा हूँ। लो दिया बत्ती भी आ गया, ले लो सिराने से। ससुर जी अब तो तुम फटाफट अंतिम इच्छा बता दो। हाँ मेरी अंतिम इच्छा सुनो, मुझे थोड़ी खिचड़ी में मक्खन डालकर ऊपर से अदरक का अचार डालकर खिला दो बस। खिचड़ी तैयार है, मुझे मालूम है आपको खिचड़ी बहुत पसंद है। वाह, दोनों ने मेरे मरने का प्रोग्राम पहले ही से बनाया है। दिया तैयार, कोरी चादर तैयार और खिचड़ी भी तैयार। हे भगवान ऐसी संतान किसी को मत देना भगवान। ये चाल चलती नहीं दिख रही मुझे। तब हम क्या करेंगे? करेंगे क्या, और आइडिया सोचेंगे? चलो खिचड़ी तो खिला दे बुड्ढे को। ससुर को, ससुर को। अरे खिचड़ी यहाँ रखी थी, कहाँ गई खिचड़ी? को अरे बाबा कहाँ चले गए? और कहाँ गए होंगे, खिचड़ी खाते हुए वहां चले हुए चंडाल चौकड़ी में जुआ खेलने के लिए। अरे मैं तो कहता हूँ अंतिम समय जब यमराज जी प्राण निकालने के लिए आएंगे ना तो इनसे भी बोलेगा कि यमराज जी आओ तीन पत्ते बांट ले। अरे लो बुड्ढे को सुलाते सुलाते मैं ही सो गया यहाँ पर। अरे आ जा लेट जा। अरे आना लेट जाना। अरे अरे भाई सब पैक हो गया क्या? अरे आए तो चाचे और भतीजे में दू होगी। जयराम जी क्या हवालदार? जयराम जी इंस्पेक्टर साहब अंदर है क्या? क्या काम है? अरे काम तो बड़ा थोड़ा सा है, बस यही पूछना था कि जुआ खेलने के बाद सजा कितनी होती है। क्या सजा पूछकर जुआ खेलोगे? अजी जुआ खेले मेरी भला। अरे शहर में ठाकुर प्रताप, ठाकुर गोपाल, ठाकुर हनुमंत मर गए हैं, जो मैं जुआ खेलू? जुआ? बड़े बड़े आदमियों का नाम ले रहे हो, जरा सोच समझ कर बोलो। अजी मैं भी ठाकुर ठहरा, छोटे मोटे लोगों को मुंह क्यों लगाऊं? हाय 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 क्या सीन देखकर आ रहा हूँ। आहा मंदिर के पीछे चार पाई के ऊपर, आहा रेशमी चादरों के ऊपर गांव तक ये लगे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, दना दन पत्ते बट रहे हैं, बड़े छोटे नोट उधर से इधर, इधर से उधर। अरे आप तो बैठ गए। अरे इंस्पेक्टर साहब बड़ी लंबी ट्रिप दे रहा हूँ, अगर आपने छापा मारकर इन लुंगाड़ों को गिरफ्तार कर लिया ना तो इंस्पेक्टर से हवलदार बन जाओगे। क्या कहा? मेरे मतलब यह है कि वो सुपरिंटेंडेंट कमिश्नर बन जाओगे आप। चलो आप चलो मैं आ रहे हो। अच्छा भतीजा जी चलो तुम ब्लाइंड ही शो कर दो। चाचा ब्लाइंड शो करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा डालो। अरे भाई तो मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? चाचा उधार मोहब्बत की कैंची होती है। होती है? अच्छा चलो ये कड़ा लगा दिया जाओ। अरे जाओ लगा दिए जाओ, कम पड़ेगा। सुनो अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा पैजामा कुर्ता और जैकेट सब उतरवा लूंगा। हाँ ठीक है तुम छोड़ करो। अच्छा गुलाम बड़ा चाचा। अरे दे राजा नल की, अरे बेगी बड़ी मार लिया मैदान। अरे भतीजे आज मैं पहली बार तुमसे जीता हूँ। जो जा बैठा है वही बैठा रहे। पहले आप जीत में बैठिए, बातें बाद में करना। चलो भाई और चलो भाई तो जेल यात्रा से ही चलो लाओ।
घर में आराम से चला करते थे, कहीं ठोकर लगी तो भाभी गजब हो गया। क्या हुआ भाभी? भैया को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया है। आओ भाभी आओ। ठाकुर बड़ी बदनामी होगी। मियां बदनामी उनकी होती है जिनका नाम होता है। नंगी क्या पहनेगी और क्या नहीं छोड़ेगी यार। और देख छोड़े ठाकुर, हम चोरी करते हुए नहीं पकड़ेंगे, जुआ खेलते हुए पकड़ेंगे। और मियां जुआ वो खेलता है जो खीसे पॉकेट वाला होता है, समझा? अच्छा छोड़े ठाकुर, तूने पुलिस की जीप का नंबर देखा? मैंने तो नहीं देखा, तूने देखा? नहीं तो क्यों नहीं थाने पहुंचते तो जीप के आखिरी नंबर पे अगर बाजी हो जाए? हो जाए और तुम्हारे इवन मेरे लग गए हजार हजार रुपए की शर्त। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जीप का नंबर क्या है? बदमाश कहीं के, एक तो जुआ खेलते हुए पकड़े और पुलिस की जीप में भी जुआ खेलना शुरू कर दिया। साहब हजार हजार रुपए की शर्त लगी है ना, चुप रहो। तुम्हारी कहीं के चुप हो गए। आपसे मुझे एक जरूरी काम है। क्या काम है? मैं जानता हूँ, गोपाल ठाकुर जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया, यही ना? कोई बात नहीं, अब आंखें खुल जाए। लेकिन चाचा, अरे जुआरियों को पकड़ना तो पुलिस वालों का काम है और उन्हें छुड़ा कर लाना बड़े बुजुर्ग। कोई मामूली बात नहीं हुई लक्ष्मी, कयामत हो गई है कयामत। मैं कहता हूँ ये घर छोड़कर मेरे साथ चलो, रूखी सूखी की बात तेरे लिए कोई कमी नहीं। बाबा, जिस मंदिर में आपने खुद मुझे दासी बनाकर भेजा था, अब उस मंदिर के भगवान को छोड़कर चले जाओ। लो बाबे, ले तुम्हारी अमानत, लो लौट आए तीर्थ यात्रा से, उतारो इनकी आरती। संधि भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। आइए प्रताप ठाकुर, इतनी जल्दी लौट आए? मेरा तो मन बैठे जा रहा था, कहीं पुलिस ने दो चार दिन आपको अंदर रखा तो आपके अमीर दुबले न पड़ जाए। भाभी, दुबले पड़ने वाले दिन तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। वैसे कभी कभी मीठा भी तो बोल लिया करो। लो, मैंने कौन सी कटार मारती? और मेरे पति का दोष भी क्या है? किसी का खून नहीं किया, डाका नहीं डाला, सिर्फ जुआ तो खेल रहे थे। खैर इस बात को छोड़ो, अब सब लोग खाना खा लो और फिर जाकर जुए की महफिल से जाओ। लक्ष्मी, भिभा भिभा करके मारती है। देखो बड़े ठाकुर, बेबी पर गुस्सा और पुलिस से दोस्ती। देख लक्ष्मी, जरा सी बात पर ताने मत दे, पुलिस ने हमें भूल चुक में पकड़ लिया तो कौन सी कयामत आ गई? सुन लिया बेटी, जुआ खेलना बुरी बात नहीं, जुआ खेलते हुए पकड़े जाना बुरी बात। रंजीत चाचा, इस कस्बे में कौन जुआ नहीं खेलता? हनुमान चाचा खेलते हैं, बल्लाज खेलता है, प्रताप ठाकुर खेलता है। बस ऊंची दीवार देखकर अपने सर नहीं फूल रहे, बड़े ठाकुर ने नोट गिने या जेल के सिलाके गिने एक ही बात हुई, उनके घर में कौन सी जवान बहन बैठी है जिसकी शादी रुक जाएगी? भाभी तुम भी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही, आज के जमाने में इन दकियानूसी बातों को कौन मानता है? आजकल नाम को नहीं सूरत को देखा जाता है, समझी? बड़े ठाकुर, खानदानी लोग पहले खानदान को देखते हैं, जेल यात्रा करने वाले आदमी की बहन का हाथ कौन पकड़ेगा? भाभी तुम्हारा दावा मैं अभी झूठा साबित कर दूं, अगर गोपाल ठाकुर हाँ कह दे तो मैं आज ही केसर से शादी करने को तैयार हूं। प्रताप, जरा फिर से कहना। गोपाल ठाकुरों की सिर्फ एक जुबान होती है, वो बात को बार बार नहीं दोहराते। लो मेरी चिंता दूर हो गई, गांव का सबसे बड़ा जुआरी और सबसे बड़ा ठाकुर घर बैठे बिठाए मिल गया। लक्ष्मी क्या बकवास कर रही है? प्रताप, तुम्हारी हमारी दोस्ती की दुनिया कसम खाती है, अगर तुम चाहते हो कि इस दोस्ती का दमदार टूटे तो अपने अल्फाज वापस ले लो। गोपाल तुम समझते हो कि तुम्हें केसर के लिए मुझसे अच्छा वर मिल सकता है? अच्छा ना सही, शरीफ तो मिल सकता है। क्या मैं बदमाश हूँ? बदमाश तो नहीं हूँ, लेकिन परले दर्जे की जुआरी तो हो। एक जुआरी जुआरी से यह बात कह रहा है। ठाकुर, जुआरी जरूर हो लेकिन अपनी बहन की जिंदगी का जुआ नहीं खेल सकता। शाबाश बेटी, ये कहीं ना ठाकुरों वाली बात। चाचा तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे प्रताप ठाकुर ठाकुर नहीं कोई घसियारा हो। सलगती को हवा मत दो चाचा। गोपाल तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम साफ साफ बताओ, केसर से मेरा रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? प्रताप, दोस्ती दोस्ती की जगह है, घर संसार की जगह है, मैं केसर पे किसी जुआ की परछाई भी नहीं। अगर ये बात है तो हम भी देख लेंगे। प्रताप जो होगा देखा जाएगा, पहले खाना तो खा लो। खाना इस घर का, अगर तुम खाना खाए बिना जाओगे तो मैं ये समझूंगा कि हम तुम कभी दोस्त ही ना कभी दोस्त होंगे। इतनी सी बात पे ये तूफान? हमारे लिए जरा सी बात हो, लेकिन हमने मुद्दत से केसर को अपने लिए सोच रखा था। हमारे पास सैकड़ों रिश्ते आए गोपाल, लेकिन हमने केसर के लिए ठुकरा दिया। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जब हम जबान खोलेंगे तो तुम हमें ठुकरा दोगे। हम तुम्हारा बोझ हल्का किए जा रहे हैं और तुम हमें दबाए जा रहे हो। गोपाल ठाकुर, लानत है ऐसी दोस्ती पे। क्यों पवित्र गंगा को आप पवित्र करने जा रहे हो?
पिताजी जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? प्रताप ठाकुर ने गोपाल ठाकुर की बहन केसर का हाथ मांगा, लेकिन गोपाल ठाकुर ने यह कहकर अंगूठा दिखा दिया कि मैं एक जुआरी को अपनी बहन नहीं दूंगा। ये कहा गोपाल? रंजीत ठाकुर ने कही बात मुझसे। रंजीत कभी झूठ नहीं बोलेगा। अंदर आ जाओ ना। भाभी कहाँ है? बाहर गई है, आ जाओ। अच्छा तो जनाब आजकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ये फूल बांटने लगे हैं। प्यार की खातिर क्या क्या भेष बदलने पड़ते हैं। आज भैया जरा बीमार थे, सोचा इसी बहाने तेरी गली का फेरा लग जाएगा। अच्छा सुन, आज अपने हाथों से गजरा लगाऊं? हाँ। अरे मगर मेरी चिट्ठी कहाँ है? क्या आज गजरे में डालना भूल गए? चिट्ठी कैसे भूल सकता हूँ। अरे ले ले ले, ये क्या करते हो? कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देख रहा। ये क्या हो रहा? कुछ नहीं भाभी, वो चाचा रंजीत चाचा बीमार थे, ये फूल देने आए हैं। फूल देने आए हैं या बिखरने? गजरा खुल के बिखर गया। कैसे बिखर गया? गजरा मेरे हाथ में था, मैं गजरे से खेल रहा था, बस बिखर गया। गजरे से खेल रहे थे? हाँ हाँ गजरे से। भाभी कल से मैं नहीं आऊंगा, भैया आएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। कल से नहीं आऊंगा भाभी, कल से नहीं आऊंगा। कैसे इधर आ? क्या है भाभी, सीधी तरह खड़ी क्यों नहीं होती? खड़ी तो हूँ। ये बता शाम कैसा लड़का है? अच्छा ही होगा। होगा क्या, जो बात दिल में है जबान पर ला बने मार डालूंगी। अरे बदली तू तो सच में रोना शुरू कर दिया। अरे मैं तो यही प्यार से पूछ रही थी, शाम तो से पहले भी मिलता है? कभी कभी कॉलेज जाते जाते। पढ़ाई में कैसा है? बहुत अच्छा है। घर बार का कैसा है? भाभी तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, फिर मुझसे क्यों पूछती हो, खानदानी लोग हैं। अच्छा तो तू सब कुछ सोच रखा है? और जाने दे तेरे भाई को, सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं भाभी, भैया से कुछ मत कहना, उन्हें तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है, मुझे मार डालेंगे। अरे भैया तो तुझे अपने पलकों पर बैठा रखते हैं, और फिर मैं जो हूँ। लेकिन कैसा, ये उम्र कच्ची होती है, भूल चूक से दूर रहना चाहिए, समझे? लक्ष्मी आज घर में केसर की आवाज नहीं सुनाई दे रही। वो मंदिर गई है। मंदिर? आज कोई त्योहार है क्या? त्योहार तो नहीं है। तो फिर ये कॉलेज में जाने वाली लड़की को मंदिर का रास्ता कहाँ से याद आ गया? आपको क्या बताऊं जी, आजकल हमारे गुड़िया बहुत ही बदल गई है। जानते हो रोज सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाती है और सीधा मंदिर में जाकर पूजा करती है। ऐसा लगता है जैसे केसर किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही है। क्या कह रही हो, मेरी बहन में इतना परिवर्तन आ गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या उसे कोई रोग या बीमारी तो नहीं लग गई? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जैसे लड़की शादी के बाद संतान के लिए मंदिर में पूजा करने जाती है, उसी तरह कुमारी लड़की अपना वर मांगने भगवान के पास जाती है। केसर को किस बात की चिंता, मैं भी तो दिन रात इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। देखो लड़का तो मैंने देख रखा है, और लड़का भी ऐसा है कि केसर के साथ बैठा हो तो जो कोई भी देखे कह उठे जोड़ी हो तो वैसी हो। ये बात है तो जल्दी से मुहूर्त निकलो। अरे पहले पूछो तो सही लड़का कौन है। लक्ष्मी ये मत सोचो कि शादी के बाद मैंने कभी तुम्हारे दिल में झांक के नहीं देखा। मैं जानता हूँ मेरी केसर के लिए जो भी लड़का तू देखेगी इससे अच्छा लड़का सारी दुनिया में और कोई नहीं होगा। बस जल्दी से सगाई की बातचीत छेड़ो। अरे सगाई क्या, चट मंगनी और पट ब्याह। गोपाल बाबू, गोपाल बाबू। मुनीम जी आइए आइए। हुजूर ये आपने क्या कर दिया? मैं समझा नहीं।
मैं ये कह रहा हूँ कि ठाकुर प्रताप सिंह ने खाना पीना सोना जागना उठना बैठना सब कुछ छोड़ दिया है और बार बार उनकी जबान पर एक ही शब्द आता है, केसर केसर। मेरा यार पगला हो गया, जरा सी बात दिल से लगा ली है। केसर, ये तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? भैया मंदिर से आ रही हूँ, ये लो प्रसाद, ये मुनीम जी के लिए। गोपाल बाबू, जब भी इस बिटिया को देखता हूँ तो ख्याल आता है सचमुच प्रताप बाबू का रोना सच्चा है। सरकार, आपकी तो ठाकुर साहब के साथ दांत काटे की दोस्ती है, दुनिया आपके याराने की कसम खाती है, एक छोटी सी बात के लिए उनका जीवन बर्बाद ना कीजिए। क्या कह रहे हैं आप, इस दुनिया में प्रताप से बढ़कर मुझे और कौन प्यारा है? लेकिन वो एक जुआरी है, मैं अपनी मासूम बहन का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। सरकार, कौन जाने केसर बिटिया उनके घर में आते ही उनका कायाकल्प कर दे। मुनीम जी, आपके बाल सफेद हो गए लेकिन आप दुनिया की ऊंच नीच ना समझे। सुनिए, इस गांव में तो क्या सारे देश में लक्ष्मी से बढ़कर सियानी औरत नहीं होगी। जब लक्ष्मी जैसी लड़की शादी के बाद मेरा जुआ नहीं छोड़ा सकी तो भला कल की छोकरी प्रताप को क्या सुधारेगी? मुनीम जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैंने कोई लाख लपट की बात तो नहीं की। सरकार, आपने जो कहा सच है, लेकिन जहां आपको अपनी बहन की जिंदगी प्यारी है वहां दोस्त की जिंदगी भी तो प्यारी होनी चाहिए। छोड़िए मुनीम जी, प्यार का भूत उसके सर पे सवार हो गया, अपने आप उतर जाएगा। सरकार, उनके लिए मेरे लिए मेरे वचन की लाज रखी थी, घर चलिए, कम से कम उनका जो खाना पीना छूट गया है उसे तो शुरू करवा दीजिए। ये बात है, चलिए मुनीम जी। जिंदगी भर जिस चीज से प्यार किया उसे आग में क्यों डाल रहा हूं? एक प्यार ने दूसरे प्यार को छुड़ा दिया गोपाल, आज से जुआ हमारे लिए हराम है। लेकिन जुए के साथ खाना पीना क्यों हराम कर रखा है? दिल की खुशी के साथ भूख लगती है गोपाल। बोलो, मेरे जुआ छोड़ने के बाद तो तुम केसर का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे? लेकिन जुआ एक ऐसी बीमारी है जो छोड़े नहीं छोड़ी जाती, जान के साथ ही जाती है। गोपाल, मैंने आज के बाद फिर कभी जुआ खेला तो 1000 रुपए की शर्त रही। गोपाल, मेरी बात को हंसी में क्यों उड़ा रहे हो? अभी भी जुआ ना खेलने की कसम खाई है और अभी भी शर्त लगा रहे हो, क्या शर्त जुआ नहीं होती? गोपाल, मेरी जुबान फिसल गई। आज जुबान फिसली है, कल हाथ फिसल जाएगा। देखो गोपाल, हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, केसर का हाथ हमारे हाथ में दोगे या नहीं? और तुम भी आखिरी बात सुन लो, मेरी बहन की किस्मत का मालिक एक जुआरी नहीं हो सकता। ये बात है, जो बात है सो है। तो सारी उम्र की यारी पे तुमने पानी फेर दिया। ठाकुर, सच्ची यारी में सौदा नहीं होता। आपने गोपाल ठाकुर से क्या लेना है क्या देना है? जानता तो ये आखिरी हथियार तुम काम में लाओगे, तुम्हारे कर्जे तले जो दबा। हिसाब किताब की बात मुनीम जी जाने, इस वक्त हमारा दिल भरा हुआ है। गोपाल ठाकुर, हिसाब तो बिल्कुल साफ है, आपके नाम वक्तन फक्तन लिया हुआ कुल 70,000 रुपया निकलता है। 45,000 की जमीन, 40,000 का मकान, 15,000 नगद तो, और दोनों चीजें ठाकुर के नाम कर दो। ये लीजिए गोपाल बाबू, 15,000 गिन लीजिए। रुपये का गिनना मुनीम जी, गिनने को दिल की चोटी का कम है। अच्छा दोस्त, बचपन से लेकर आज तक की दोस्ती पर खाक डालते हुए तू हतार हो जाए। गोपाल, तुम्हारे पास अभी ही पूंजी है, इसे भी खो बैठोगे, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें। मुनीम जी, ताश लाइए। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि केसर और श्याम एक दूसरे के हो जाएंगे। तो सगाई की तैयारी कर लो। नेका में देरी किस बात की? जरूर। चाचा, आपने मेरा मान रखा है तो मैं चलती हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हाँ
की दवा में पूरा पैसा लगा दिया 15,000। मुनीम जी जी ये कितने? 15,000 सर। 15,000। अच्छा तो 15,000 मेरी तरफ से शो कर दिया। अट्ठा दहला यक्का बेगम बादशाह इक्का। गोपाल अकेला आदमी फाके भी काट सकता है, लेकिन तुम गृहस्थी जवान बीबी मासूम बहन लड़ सकोगे जिंदगी से? गोपाल मैं जुआरी सही लेकिन एक अमीर जुआरी हूं। दर दर की ठोकरें खा सकते हो लेकिन एक जुआरी दोस्त से अपने बहन का रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। चलती पर तेल मच्छर को तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़क सकते हो गोपाल? खैर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं दोस्ती के नाम पे। मेरे पास और रखी क्या है? तुम्हारे पास बहुत कुछ गोपाल, बहुत कुछ। मुनीम जी। जी सरकार। तिजोरी में हमारे कितने रुपए पड़े हैं? सरकार कोई 2,00,000 होंगे। जय ले लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी गरीबी दांव पे लगा सकता हूँ और गरीबी की कोई कीमत नहीं होती है। जुए में ऊंच नीच का भरोसा नहीं होता, कभी मेरा पलड़ा भारी कभी तुम्हारा पलड़ा भारी। अगर तुम जीत गए तो ये 2,00,000 रुपए तुम्हारे, अगर हम जीत गए तो केसर हमारे। सरकार ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो दुआ मांग रहे हैं मुनीम जी कि हमारा यार जीते। हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ और भी बहुत कुछ है। आप जाइए यहां से, ये 2 दोस्तों की बात है। मुंह मत देखिए मुनीम जी, जाइए। हाथ क्यों कांप रहे हैं? पत्ते दिखाओ। अच्छा हम दिखाते हैं। भाई अपने पास तो बेगम बड़ी है। अब 17 दहला निकाल दो, बाजी तुम्हारी। बात याद रखना, हम दोस्ती निभाना जानते हैं। घर तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद भी तुम्हारी है, सिर्फ केसर हमारी है। ननन रानी मेहमान आ गए हैं, अब चाय पानी भी तो पिलाओ। पिला दो। भाभी तुम कौन से पराए हो, एक हम तुम्हें देखे। तुम खा लो जी। अरे तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, मदद करो ना। अरे लो गोपाल ठाकुर भी आ गए। अरे आप ऊपर कहाँ जा रहे हैं? देखते नहीं केसर की सगाई की तैयारियां हो चुकी हैं। केसर को शाम से अच्छा लड़का और शाम को केसर से अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती थी। अरे सुनिए तो, ये आप सर झुका कर क्यों खड़े हैं, बोलते क्यों नहीं,
मैंने ये सब आपकी मर्जी के अनुसार तो किया है। लक्ष्मी तू मेरा अंदर बार सब कुछ जानती है। अगर मैं किसी का खून भी करके आऊंगा तो उससे नहीं छुपाऊंगा। लक्ष्मी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सब कुछ चला गया, मेरे पास अब मेरा अपना कुछ नहीं है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं तो आपके साथ गलियों में भीख मांगकर भी खुश रह सकती हूँ, सड़कों पर सोकर भी गुजारा कर सकती हूँ। चलिए बेघर होने से पहले श्याम और केसर की सगाई तो कर दे, मैं अपने गहने केसर के दहेज में दे दूंगी। चलिए चलिए ना। नहीं लक्ष्मी नहीं, केसर का रिश्ता यहाँ नहीं हो सकता। क्यों, क्या बात है, ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आपके चुप से मुझे डर लग रहा है। बलवंत भाई बात को दूसरा ही रंग पकड़ रही है, मैं भी देख कर आता हूँ। आपका भी कोई दोष नहीं, जिस वन से हमारा संबंध है उसके बुजुर्गों ने भी तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, लेकिन द्रौपदी उनकी पत्नी थी, बहन नहीं थी। शादी के बाद पत्नी पति की जायदाद होती है, पति को हक है उसे बेचते नीलम करते जुए पर लगाते। लेकिन लेकिन कैसे, तो आपके माँ बाप की अमानत है, उसकी खुशी आपने क्यों नीलम कर दी? मुझे दांव पर लगा दिया होता मैं हार सिंगर करके आपके दोस्त के घर चली जाती। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, जो कुछ किया जानबूझ कर नहीं किया, न जाने मैं पागलों की तरह पत्ते क्यों उठा बैठा। शायद उस वक्त मेरे मन में विचार था सर छुपाने के लिए जगह ना होगी, पुरखों का घर बिक जाएगा। लक्ष्मी भगवान के लिए मेरी लाज रख लो, मैं वचन दे चुका हूँ, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो कल तेरे मांग में सिंदूर लाऊंगा। शुशु बोली, मैं जीते जी कभी नहीं देख सकूंगी एक भाई बहन की बंधी हुई राखी को चूहे पर लगा दे। दो बूंद आंसू बहाने से मन की सूखी खेती हरी नहीं होती। शाम और केसर का संजोग मेल नहीं खाते, तुम उसी रास्ते पर चलो जो रास्ता तुम्हारा पति दिखाए, तुम्हारा यही धर्म है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लड़के की कीमत 10,000 भी नहीं है। लक्ष्मी ने रिश्ते की बात करते हुए टीके में 10,000 रुपया देने का वादा किया था। मेरी बेटी मेरे खानदान के नाम पर बच्चा लगा रही है। भैया भैया मैं आपका खून हूं, क्या मैं आपको नहीं पहचानता? जिस आदमी ने दूसरों की सेवा में अपनी सारी पूंजी लगा दी हो वो क्या पैसों के लिए तकाजा करेगा? भैया भैया आप मेरे सर पे हाथ रख के कहिए जो कुछ आपने कहा क्या वो सच है? बेटे कभी कभी किसी की इज्जत बचाने के लिए आदमी को झूठ भी बोलना पड़ता है। मैंने लक्ष्मी का नाम बेकार में लिया, सच बात तो यह है गोपाल ठाकुर अपनी बहन को जुए में हराया है। ये बात तो अब इस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं। चलो 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 चलो। मैं जानती हूँ आज ठाकुर प्रताप के घर में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ठाकुर प्रताप का जश्न आखिर में मातम साबित होगा। केसर, केसर मैं बड़ी भोली भाली लड़की हूँ और हमेशा दुनिया में भोले भाले लोग ही शैतानों का सर नीचा करते हैं। भाभी भाभी मैं समझती थी मेरी माँ नहीं है, आज आज मुझे मेरी माँ मिल गई। केसर मोहब्बत न करते बड़ा काम करते, मोहब्बत से लेकिन बड़ा काम क्या है? अरे भाभी आओ आओ, मेरी छत मेरी सीढ़ियों मेरी दहलीज की किस्मत कहां से खुल गई? अरे भैया माता के मंदिर से पूजा करके आ रही हूँ कि हे माता प्रताप भैया की शादी में कोई विघ्न न पड़े। अरे भाभी जिस बात की मंजूरी तुमने दे दी हो उसमें तो माता भी दखल नहीं दे सकती। लेकिन भैया मंदिर में जाकर माता के चरणों में आंखें बंद करके दो फूल अर्पण किए और मन में सोच लिया कि अगर माता के चरणों में लाल फूल गिरा तो शादी में कोई विघ्न नहीं होगा। फिर तो लाल फूल ही गिरा होगा। नहीं भैया ऐसा नहीं हुआ, पीला फूल गिरा। माता इस रिश्ते से खुश नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी भाभी कहो, अब मैं शादीशुदा हूँ, इंसान के बस में क्या होता है। भाई निराशा तो मुझे भी हुई है, मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी केसर सुख के झूले झूले, लेकिन उसकी किस्मत में फूल बांटने वाले का भाई लिखा हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। हम दोनों दोस्त ताश का जुआ खेला करते थे,
अब तुमने मंदिर में जाकर माता के साथ फूलों का जुआ खेलना शुरू कर दिया। प्रताप भैया, क्या रखा है केसर में? वो तो तुम्हारे पांव की धूल के बराबर भी नहीं, कहीं और दिल लगा लो। दिल कोई तस्वीर नहीं है जो किसी की दीवार पे भी लगा दो। भाभी, मेरे रास्ते का कांटा तुम हो। भैया, केसर की बगिया का कांटा भी तो तुम हो। समय बता देगा कौन किसके रास्ते का कांटा हो। भाभी, तुम ठाकुरों को ललकार रही हो। प्रताप भैया, आप बड़े ठाकुर हैं, हम छोटे ठाकुर। ठाकुरों ठाकुरों की तो आपस में ठनती आई है। अच्छा भैया, छात पर ऊंची बात करके मैं दुनिया को नहीं सुनाना चाहती। लक्ष्मी, तुम यहाँ? मंदिर से लौटते समय बड़े ठाकुर को प्रसाद दे रहे। गोपाल, प्रसाद दिया तो है मगर कड़वा। क्या मतलब बड़े ठाकुर? हम दोस्त के खातिर कुर्बानी दें और पगड़ी भी हमारी उछाली जाए। लक्ष्मी भाभी की नजरों में केसर के रास्ते का कांटा हम है। लक्ष्मी, ये प्रसाद लेकर यहाँ आई थी। प्रताप का अपमान मेरा अपमान है। लेकिन मैंने तो किसी का अपमान नहीं किया। दिन को दिन और रात को रात कहना कोई पाप नहीं। गोपाल, सोच लो, जब तुम्हारे सामने भाभी की ये गरज है तो मुझसे अकेले में क्या कहा होगा? यही तो कहा है ना कि केसर की किस्मत में इतना बड़ा घराना नहीं लिखा। ये जोड़ तोड़ करने वाली तुम कौन होती हो? मैं केसर का भाई हूँ। अपनी मर्जी से अपनी बहन का हाथ किसी के हाथ में दे सकता हूँ। आपकी हर बात को मानना मेरा धर्म है, लेकिन जहर को शरबत का प्याला समझकर भी तो नहीं पिया जाता। देख लिया, जो शख्स जर्रे को उठाकर आसमान पे बिठा रहा है उसी पर उंगलियां उठाई जा रही है। अब आसे कैसे जा रहे हैं? प्रताप ठाकुर, यार की यारी पर भरोसा रखो। सब रिश्तेदारों को शादी के लिए बुलवा लो। हाँ, वो तो सब आ ही रहे हैं। दीदी को तो मैं खबर कर भी चुका हूँ। क्यों लक्ष्मी भाभी? बड़ी खुशी से बुलवा। भाभी देखना, ऐसी सगाई करूंगा कि दुनिया वाले देखी हुई शादियां भूल जाएंगे। जब चांद निकलेगा दुनिया देखेगी। हम चाहें तो अमावस के रात को भी चांद निकाल कर दिखा सकते हैं, हम चाहें तो। अच्छा लक्ष्मी भाभी, सगाई कहाँ होगी? हमारी हवेली में या तुम्हारे घर में? क्या फर्क पड़ता है भैया, हमारा घर भी तो तुम जुए में जीत चुके हो। हाँ, वो भी तो तुम्हारा है। हमारी तो सिर्फ केसर है भाभी, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। हमारा तो सिर्फ भगवान है। अरे हरी राम, सब मर गए क्या? कब से चाय की प्याली मांग रहा हूं? हजूर, ये चाय है दूध? हजूर, दूध घर की गाय का। कमबख्त, मुफ्त की खाया और दिमाग पर चर्बी चढ़ गई है क्या? सवेरे चिल्ला रहा हूँ चाय चाय और दूध लेकर आ रहा। अरे प्रताप ठाकुर, चल चल अंदर चल। क्यों चाची? क्या है? रात ही रात में प्रताप ठाकुर शोदा लुच्चा लफंगा हो गया। जो कुछ पूछना है अपने दिल से पूछिए ठाकुर साहब। अपने दिल की कही हुई बातों पे तो चल रहा हूँ। ये लो मिठाई। मिठाई? मिठाई किस बात की? केसर की शादी हो रही ठाकुर प्रताप के। अच्छा? साथ। हाँ। और मौसी, मेरी लाज रखना, सारे परिवार को लेके आना। क्यों नहीं, केसर मेरी भी तो बेटी के समान है। अच्छा तो मैं। नमस्ते। क्या ले गई लक्ष्मी? मिठाई के डिब्बे, केसर की शादी तय हो गई है। राम प्रसाद भैया, पहले तो हमारी नाग गोपाल ने कटवाई जो बहन को जुए में हारा है, अब ये लक्ष्मी घर घर मिठाई बांट कर जल्दी पे तेल छिड़क रही। और भैया, अगर तुम इस शादी में शरीक हुए तो हमारी तुम्हारी राम राम बंद। तो आप लोग इस शादी को बायकॉट कर रहे हैं? किस किस को रोकेंगे बलवंत भैया? हमें जो कुछ कहना था सो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। और भैया, चल, चल चल। बलवंत भैया ने बात तो खरी कही है। आगे आप समझ में, फेंक दे इस मिठाई के डब्बे को। क्या कहूँ भैया, फूल तो बहुत सी दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन कोई दे भी तो। अच्छा, तो हमारे साथ साथ तुम्हारे घर का भी बैकआउट हो चुका है। क्या कहूँ, शेर वालों की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। बात हमने बनाई थी भाभी, बतंगड़ तुमने बनाया है। बड़ी ठंडी फुलझड़ी हो। क्या कह रहे हो ठाकुर भैया, मैंने तो घर घर जाकर एक एक आदमी को न्योता दिया है, लेकिन जहाँ जाती हूँ लोग मुंह फेर लेते हैं। सब समझता हूँ भाभी, सब समझता हूँ। बिल्ली शेर को सिखा रही है। हरिराम चाचा, आपको भी अपनी जवान बहन की शादी करनी है, सोच लीजिए, मैं मजबूर नहीं करती। आप खुद की तरह क्यों खड़े हैं? आप खुद बोलते क्यों नहीं? बोलता हूँ, बोलता हूँ। तुमिले। भाई हरिराम जी, आज किस खुशी में घर में हलवाई की दुकान खोल ले? हुजूर, आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है, सोचा जाते जाते आपकी अच्छी तरह सेवा करता जाऊं। क्या बक रहे हो? सरकार, गुस्ताखी माफ,
मैं तो उम्र भर इस घर में रसोईया बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीवी के डंडे की मार से डरता हूँ। उसने ऑर्डर पास कर दिया है कि अगर अब मैंने इस घर में नौकरी की तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। आखिर अपनी जात पे उतरिया ना हरिराम, उम्र भर इस घर का खाकर अब नमक हरामी करना चाहता। सरकार, सच सच बात आपसे कह दी, जाते जाते एक बिनती और करता जाऊं, गोपाल ठाकुर की बहन पर आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? अब तुमने भी बकवास शुरू कर दे, चुप चाप चले जाओ यहां से, जाओ। अरे राम, अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, अब जा सकते हैं। बेटा खाका ठाकुर साहब, ये हिसाब किताब देख लीजिए। मुनीम जी, अब आपको क्या तकलीफ है? हुजूर, सोचा तो यही था कि आपकी सेवा में ही प्राण त्यागूंगा, पर क्या करूं, मेरी भी एक जवान बेटी है और वो भी इकलौती। तो उसकी आपको क्या चिंता है, उसकी शादी का जिम्मा तो हमने उठा रखा है। सच है सरकार, मैं जानता हूं आपके दिल में गरीबों के लिए कितनी दया है, मगर बच्ची मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। ठीक है मुनीम जी, आप जा सकते हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपको डांट तो सकते नहीं है, सिर्फ समझा सकते हैं। आप जाइए, और बुजुर्ग होने के नाते हमसे अगर कोई भूल चुक हुई हो तो उसे भूल जाइएगा। जाइए, किताबें लौटाते जाइए मुनीम जी। वाह दीदी वाह, क्या अभी मंडियों चक्कर चलाया है, बेचारे प्रताप ठाकुर की तबीयत साफ कर दी। क्या प्यार से जुतियां मारी है भाभी। बुरे के साथ बुरा बनना दुनिया का उसूल है प्रताप ठाकुर। आओ भाभी आओ, अब आज कौन सा नया शोशा छोड़ने आई हो? हाय राम, शक का क्या इलाज, मैं तो ये कहने आई हूँ कि गांव वाले ने तेरी शादी का बायकॉट कर दिया, दीदी को छोड़कर आपके सब रिश्तेदार भी चले गए, लेकिन प्रताप ठाकुर आखिरी शादी है, कोई मातम नहीं, घर में ढोलक तो बजनी चाहिए, संगीत भी होना चाहिए। अच्छा भाभी, तुम ही ढोलक बजा लेना और तुम ही गा लेना। मेरी ननद की शादी, मुझे नाचने गाने में क्या शर्म। हाँ शर्म तो शर्म वालों को आती है। Thank you.
ठाकुर प्रताप तुमने मुझे बुलाया? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। प्रताप, सारा शहर तुम्हारे केसर की शादी के खिलाफ सर उठा चुका है। सारे फसाद की जड़ लक्ष्मी है। अभी अभी आई थी, हवेली के बाहर नाच कूद कर हमारी पगड़ी उछाल कर चली गई। वो तो हमारा कलेजा था ठाकुर गोपाल, जो दोस्त की बीवी समझ कर सब्र के घूट पी कर रह गया। लक्ष्मी लाख पैतरे बदले, आखिर वो मेरी बीवी है। लेकिन काबू से बाहर है। प्रताप, अगर तुम समझते हो कि मेरे दिल में कोई खोट है तो परसों भारत लेके चले आओ। ठीक है ठाकुर गोपाल, परसों हम मिलेंगे लग्न मंडप में, हम दो यार, साले और बहनोई की तरह। भाभी आ गया तो भाभी। ओके सर। केसर, कोई भाभी अपनी ननद को इस तरह रात के अंधेरे में घर छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देगी। लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हें मुस्कुराकर विदा कर रही हूँ। सदा खुश रहो। लक्ष्मी, अपना घर जलाकर रात का अंधेरा दूर नहीं किया जाता, अब एक कदम भी आगे बढ़ाकर दिखा। दोनों के टुकड़े न कर दिए तो लाना थे ठाकुर के नाम पर। क्या कहा? आप बेशक मेरे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन इस मासूम को कुछ लगे। जुबान बंद रखो वरना खून पी जाऊंगा। झूम कर आई घटा, दौर पे अब दौर चले, अरे साखिया और चले और चले और चले। बाबू साहब, आज इस घर में शराब का दौर चल रहा है, कल प्यार का दौर चलेगा। मोतियों वाली सरकार, क्या आपको ठाकुर गोपाल की दोस्ती पर पूरा भरोसा है? मुझे तो शक है कल वो कोई शोशा न छोड़ दे। गोपाल मेरा दोस्त है और गोपाल राजपूत भी है। सरकार, जब इस दुनिया में राजा न रहे तो ये पूत कहां से रहेंगे? मेरा तो माथा ठनक रहा है वो डबल गेम न खेल रहा हो। अगर उसने डबल गेम खेली तो हम ट्रिपल गेम खेलेंगे। रंजीत आया? अरे इतने बड़े ठाकुर की बारात में सिर्फ 5 आदमी। जय महाराज के लिए कन्या को ले आइए। जमाना बदल गया, अगले वक्तों में ऐसा अत्याचार होता तो यहाँ खून की नदियाँ बह गई होती। अरे आज भी कुछ ना कुछ होगा बलवंत भाया, भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। अरे सुनिए, गजब हो गया, केसर का कहीं पता ही नहीं, शायद वो भाग गई है। हाय राम, ये दिन भी देखना था, दूल्हा राजा बारात लेकर आया है और दुल्हन हमारे सर में राख डालकर कहीं चली गई। लक्ष्मी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ताले तोड़कर केसर कहां भाग सकती है? अरे मैं क्या जानूं, अगर ठाकुर प्रताप से केसर की शादी मंजूर नहीं थी तो मर्दों की तरह कह दिया होता, बहन को गायब करके मेरे मुंह पर काले क्यों पोत रहे हो? ये मत समझना कि केसर के भाग जाने से बात खत्म हो गई। ठाकुर तो मुझे गलत समझ रहे हो। लक्ष्मी, केसर को कहीं भी छुपा के रखाओ, उसे लेकर आओ वरना। हाँ घोट दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है वो तो भगवान ही जानता है। जिंदगी भर हर बाजी तू मुझसे हारता चला आया, अब बदला लेने के लिए तेरे पास यही सूरत रह गई थी। नहीं प्रताप, नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम। दोस्ती के नाम पर तू मेरी पगड़ी उछाल रहा है? मेरा नाम भी ठाकुर प्रताप है, हम इस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रताप तो मेरा तमाशा मत बनाओ। तुम हमारा तमाशा बनाओ और हम चुपचाप देखते रह जाए। मैं केसर को जिंदा मुर्दा तुम्हारे कदमों में लाकर जान दूं। मैं गई केसर घर से भागी हुई लड़की की जगह गली कूचों में होती ठाकुर प्रताप के घर में नहीं। जुबान जुबान ठाकुर। तुम लाठी संभालो गोपाल, हमने निहत्थे पे वार करना नहीं सीखा है। Thank you.
अपने घर में कैदी बनाकर रखा था, लेकिन किसी न किसी तरह अपना इंसाफ मांगने मेरे पास आ गई। मैं भी इस गांव की बेटी हूँ, अगर तुम मेरे भाई हो तो ये भी मेरी छोटी बहन है। मैंने गुरुजी की मिन्नत करके इसे मंदिर में छुपाया था। दीदी, अब अपना खून भी मेरा दुश्मन हो गया। भूले हुए भाई को रास्ता दिखाने को दुश्मनी नहीं कहते। दीदी, मैंने जानती थी कि बात खून खराबे तक पहुँच जाएगी। मैं आपके घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। मुबारक हो बड़े ठाकुर, अब तो इच्छा पूरी हो गई। लक्ष्मी भाभी, हम ठाकुर लोग हैं, एक का टुकड़ा स्वीकार नहीं करते। गोपाल, मैं इस हार जीत का फैसला करने के लिए तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अगर हम जीत गए तो केसर हमारे घर में बहू बनकर आएगी, और अगर तुम जीत गए तो केसर के जिंदगी में केसर की किस्मत जो है सो है। बड़े मियां, सरकार पत्तों का इंतजाम कराइए। बहुत अच्छा, जिंदगी की आखिरी बाजी लग्न मंडप में होगी। प्रताप ठाकुर, लग्न मंडप में जुआ नहीं होगा। लग्न मंडप में जुआ भी होगा और शादी भी होगी। पहले एक पत्ता खोलो गोपाल। गुलाम, हमारे पास बेगम है, दूसरा पत्ता खोलो। बेगम, हमने 2/3 बाजी मार दी, हमारे पास बादशाह है। तीसरा पत्ता खोलो। बादशाह, वो तीसरा भी दिखा दो ना। हाँ, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। जिंदगी की आखिरी बाजी तुम हमसे जीत गए गोपाल, हम हार गए। टिकी है, टिकी निकली। अरे चलो भाई, मुखिया देख रहा, चलो ना। तो मैं मंत्र शुरू करूं? धैर्य पुरोहित जी, इसके पहले 2 स्वाहा हमें करने दीजिए। ताश स्वाहा, जुआ स्वाहा। आज के बाद इस गांव में जुआ नहीं होगा, और अगर आज के बाद किसी ने इस गांव में जुआ खेला तो उसके सबसे बड़े दुश्मन ठाकुर प्रताप होंगे। अभी इस नगर की बेगम तुम हो। गोपाल, तू बादशाह है और हम सबों का गुलाम है। मंत्र शुरू कीजिए।